हेलो दोस्तों, बात करते हैं सुजलॉन एनर्जी स्टॉक की एंड ऊर्जा ग्लोबल की। तो आप देखिए, हम कंपेयर करेंगे आज की ऊर्जा ग्लोबल बेहतर है या फिर सुजलॉन एनर्जी बेहतर है, किसमें आने वाले समय में पैसा बनता हुआ दिखाई दे सकता है और कौन सा लॉन्ग टर्म के लिए आप बाय कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा बेहतर होगा, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड बाय साइड कंपेरिजन करेंगे हम सुजलॉन का और ऊर्जा ग्लोबल का, बहुत सारे रेशियोज का एंड पीयर कंपैरिजन भी करेंगे कि कौन सा स्टॉक हमारा बेहतर है और लॉन्ग टर्म के लिए किसमें अच्छा खासा पैसा बनता हुआ दिखाई दे सकता है और किसने पास्ट में अच्छा खासा एक रिटर्न दिया है। सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस होगा ये। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन से दैट इनके दर नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। तो सुजलॉन की बात करें, आप देखिए हम कंपैरिजन वाले चार्ट पर आए सबसे पहले, तो हम देखिए कि करंट मार्केट प्राइस सुजलॉन का 6.65 रुपए है। ऊर्जा ग्लोबल की बात करें तो 8.21 है हमारा, 8.20 रुपए के आसपास स्टॉक प्राइस है हमारा। तो दोनों ही बजटेड है, दोनों दोनों ही पैनी स्टॉक है हमारा, दोनों प्राइस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही उसी रेंज में जर्नी कर रहा है हमारा। सुजलॉन की बात करें तो कैपिटल गुड्स में आता है ये और ऊर्जा ग्लोबल हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में आता है। कैपिटल गुड्स हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाते हैं ये और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कि आप देखिए कि हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में भी वही एक चीजें आ जाती हैं और ऊर्जा ग्लोबल का जो पावर सेक्टर है लगभग वही काम करते हैं, दोनों ही लगभग कह रहा हूँ, सेम नहीं कह रहा हूँ, ये भी ध्यान रखना आप। तो दोनों का करंट मार्केट प्राइस देख लिया आपने और दोनों का आप देखिए कि सेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो सुजलॉन का कैपिटल गुड्स में है एंड ऊर्जा ग्लोबल का पावर सेक्टर में है। हम बात करते हैं अगर इसके टेक्निकल्स की किसने कितना रिटर्न दिया है पिछले एक हफ्ते में, तो आप देखिए कि ऊर्जा ग्लोबल की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर ऊर्जा ग्लोबल ने 4.5% का रिटर्न दिया है एक हफ्ते में। वहीं पर सुजलॉन की बात करें तो 3.97% का रिटर्न दिया है, यानी लगभग 4% का रिटर्न दिया है। और एक महीने में अगर हम सुजलॉन की बात करें तो सुजलॉन ने 11% के आसपास का माइनस रिटर्न दिया है। जिसने भी जनवरी 1 को पैसा लगाया था उसका पैसा 10% के आसपास, 11% के आसपास माइनस में गया है। वहीं पर ऊर्जा ग्लोबल की बात करें अगर हम, तो आप देखिए कि एक महीने में इसने 14% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो जिसने 1 जनवरी को ऊर्जा ग्लोबल में पैसा लगाया था उसका पैसा 15% के आसपास ऊपर है, बढ़ा है, ठीक है। तो ऊर्जा ग्लोबल यहाँ पर बेहतर दिखाई दे रहा है हमें। अब बात करें 3 महीने के, 3 महीने में हमारे ऊर्जा ग्लोबल ने 175% का रिटर्न दिया है। जिसने भी 3 महीने होल्ड किया है स्टॉक को, वो 175% का आसपास का रिटर्न कमा चुका है ऑलरेडी ऊर्जा ग्लोबल से। और वहीं पर सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो 3 महीने में उसने 114% का रिटर्न दिया। तो 3 महीने में इसने भी बहुत जबरदस्त रिटर्न दिया है, 3 महीने में ओवर 100% का रिटर्न इसने भी दिया है, उसने 175% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो वो बेहतर है बट ओवरऑल ओवर 100% है तो इतना अप डाउन चल जाता है। तो यहाँ पर भी ऊर्जा ग्लोबल एक हाई स्केयर करता हुआ दिखाई देता है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में ऊर्जा ग्लोबल ने 179% का रिटर्न दिया है, 180% का रिटर्न दिया है ऊर्जा ग्लोबल ने। और वहीं सुजलॉन की बात करें तो सिर्फ 45% का, ठीक है। तो 6 महीने यानी लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में सुजलॉन एनर्जी हमारा अच्छा परफॉर्म करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले दिनों काफी ज्यादा दबाव में भी था सुजलॉन एनर्जी स्टॉक, वो भी एक कारण है। तो यहाँ पर इस समय की बात करें तो यहाँ पर 6 महीने में इसने सिर्फ 45% का रिटर्न दिया और ऊर्जा ग्लोबल ने 180% का रिटर्न दिया है, ठीक है। 1 साल की बात करें तो ऊर्जा ग्लोबल 415% का रिटर्न दिया है ऊर्जा ग्लोबल ने। वहीं पर सुजलॉन की बात करें अगर हम 1 साल की, तो 1 साल में इसने 200% के आसपास का रिटर्न दिया, यानी इसने 200% का और ऊर्जा ग्लोबल ने 400% का 1 साल में। तो आप देखिए कि 1 साल का प्रॉस्पेक्ट दोनों का ही बेहतर है, ऊर्जा ग्लोबल का ज्यादा बेहतर दिखाई देता है। वहां पर 400% से ज्यादा का रिटर्न आप कमा चुके हैं, 2 पैनी स्टॉक है हमारे, पैनी स्टॉक में मल्टीबैगर बनने की क्षमता बहुत ज्यादा रहती है, यहाँ पर पैसा बनता हुआ दिखाई देता है। चाहे सुजलॉन में लगाते तभी 1 साल में 200% कमाते और चाहे ऊर्जा ग्लोबल में लगाते तो 400% कमाते। तो ऊर्जा ग्लोबल हमें यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर दिखाई देता हुआ लगता है। 3 साल की बात करो, 3 साल में सुजलॉन एनर्जी डाउन गया है हमारा -50%। और वहीं पर ऊर्जा ग्लोबल की बात करें तो 3 साल में ये भी डाउन गया है -1% बस, ठीक है। यहाँ पे जो गिरावट है वो 1% का है, वहां पे 50% का है। और एक चीज यहाँ से देखिए कि 3 साल के बाद के सारे नंबर्स यहाँ पर ग्रीन हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि स्टॉक बहुत तेजी से रिकवर कर रहा है। वहीं पर सुजलॉन की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि यहाँ पर 3 साल के बाद भी नंबर्स, पिछले महीने के 1 महीने की हम रिटर्न की बात करें तो वहां पे डाउनवर्ड ट्रेंड आया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ग्रोथ का माहौल जरूर दिखाई देता है सुजलॉन एनर्जी में, पर ओवरऑल इसमें भी बहुत बेहतरीन रिटर्न मिला है आपको और ऊर्जा ग्लोबल में भी बहुत अच्छा खासा रिटर्न आपने कमाया है। अब रेशियोज की बात करते हैं कि हमारे रेशियोज किस तरह के हैं। तो आप देखिए कि फंडामेंटल्स की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर हमारा माइनस में है ऊर्जा ग्लोबल, सॉरी सुजलॉन एनर्जी का, सुजलॉन एनर्जी का ईपीएस अर्निंग पर शेयर है वो माइनस में है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम वाली बात आती है कि, और ऊर्जा ग्लोबल का बहुत हाई नहीं है अर्निंग पर शेयर, बट पॉजिटिव है 0.04% है तो ठीक ठाक है, ठीक है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें, अगर हम पीई रेशियो देखें तो 197% है
ऊर्जा ग्लोबल का, तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है हमारे लिए, ठीक है। ऊर्जा ग्लोबल का जो पी रेशियो है वो बहुत बेहतरीन है 197, और इसका यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल है, यानी कि कैलकुलेटेड नहीं है यहाँ पर, और क्योंकि एक लंबा डाटा और लंबी गिरावट के बाद आया है तो यहाँ पर ये नहीं बता सकते हैं, ठीक है। अब बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू माइनस में है और ये पॉजिटिव है हमारा 2.73%, तो यहाँ पर भी ऊर्जा ग्लोबल हमें अच्छा स्केल करता हुआ दिखाई देता है। अगर फंडामेंटल कंसोलिडेटेड की बात करें तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर हमारा सुजलॉन का 0.96% है और यहाँ पर 0.02% है, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी पीई रेशियो की बात करें कंसोलिडेटेड में तो देखिए 18% है हमारा सुजलॉन एनर्जी का, 60% है हमारा ऊर्जा ग्लोबल का, तो यहाँ पर इस रेशियो में भी ऊर्जा ग्लोबल अच्छा खासा परफॉर्म करता है। बुक वैल्यू यहाँ पर माइनस में है और यहाँ पर पॉजिटिव है 0.42%, तो यहाँ पर भी ऊर्जा ग्लोबल ठीक ठाक दिखाई देता है हमें, ठीक है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी नॉट एप्लीकेबल है, यानी कि यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं बताया जा सकता क्योंकि पिछले दिन गिरावट का माहौल था, बट ऊर्जा ग्लोबल की बात करें तो 1.28 का हमारा एक रिटर्न ऑन इक्विटी है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिविटी ऊर्जा ग्लोबल में ज्यादा दिखाई देती है। आप देखिए कि कई सारे रेशियो में ऊर्जा ग्लोबल अच्छा स्केल कर रहा है हमारे सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक से। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, आरओसीई की बात करें, तो सुजलॉन एनर्जी माइनस में जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर पॉजिटिविटी है बट बहुत लेस है, बट कंपेयर टू सुजलॉन एनर्जी ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। 2 के आसपास है हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो बहुत अच्छी बात है। अब बात करें डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की तो यहाँ पर ये माइनस में है एंड इनका नहीं बताया, नॉट अप्लीकेबल दिखा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ओवरऑल भी अगर देखेंगे तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमारा यहाँ पर माइनस में है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है सुजलॉन के लिए। ओवरऑल बाकी सारे रेशियोज को कंपेयर किया जैसे हमने, तो वहां पर हमें ऊर्जा ग्लोबल थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर दिखाई दिया है, बट सुजलॉन एनर्जी में भी अगर इस समय पर रिकवरिंग मोड में है, तो अगर इस समय पर कोई होल्ड करता है तो वहां पर अच्छा खासा प्रॉफिट वहां पर बनता हुआ दिखाई देगा। अब बात करें पीयर कंपैरिजन की, तो अब देखिए कि जो हमारा सुजलॉन एनर्जी का जो स्टॉक है, सुजलॉन एनर्जी 8th लार्जेस्ट फर्म है हमारी इंडिया, ठीक है, अपने सेक्टर में। एंड अगर हम वहीं पर ऊर्जा ग्लोबल की बात करें तो आप देखिए कि यहाँ पर ऊर्जा ग्लोबल हमारा 11th लार्जेस्ट है इन इट्स इंडस्ट्री, तो यहाँ पर ये 11वीं सबसे बड़ी फर्म है, 418 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। वहीं पर सुजलॉन एनर्जी का जो मार्केट कैप है वो भी काफी हाई दिखाई देता है, 5400 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो यहाँ पे सुजलॉन काफी ठीक ठाक दिखाई देती है हमें। चार्ट की बात करो तो चार्ट दोनों का ही अभी बेरिश जोन में है, तो कोई खास यहाँ पर आप कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही बेरिश जोन में है। अब देखिए मैग्डी की लाइन हमारी बेरिश क्रॉसओवर में है, हिस्टोग्राम हमारा डाउनवर्ड बन रहा है, और गिरावट का माहौल दोनों में ही, यहाँ पर थोड़ा एक्युमुलेशन का जोन बना था, और ये जो एक 6.90 रुपए का एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, यहाँ ब्रेक नहीं हो रहा है, तो यहाँ से ये डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है। और अगर ऊर्जा ग्लोबल की बात करें तो यहाँ पर भी बेरिश जोन ही है हमारा, आप देखेंगे यहाँ पर भी एक हिस्टोग्राम जो है हमारा वो डाउनवर्ड ही बन रहा है, तो यहाँ दोनों ही स्टॉक्स में हमारा एक गिरावट का माहौल जरूर है इस समय पर, और दोनों ही स्टॉक्स में एक साथ ही ग्रोथ दिखाई देगी क्योंकि जो सोलर के लेकर एक फाइनेंस मिनिस्टर ने जो पॉलिसीज लागू की है वो जब तक इंप्लीमेंट नहीं होती है तब तक इसमें थोड़ा सा गिरावट का माहौल होगा, बट यहाँ पर देखिए बजट की रैली में पार्टिसिपेट किया था इसने और अच्छा खासा एक मूव भी दिखाया था, तो ये एक अच्छी खबर है हमारे लिए। मैग्डी हमारा डाउनलोड जरूर है बट धीरे धीरे करके ये इसमें रिकवरी मोड आएगा आने वाले समय में, तो दोनों ही स्टॉक ठीक ठाक दिखाई देते हैं। ऊर्जा ग्लोबल यहाँ पर ज्यादा तेजी से रिकवर करता हुआ दिखाई देता है, तो यहाँ पर पैसा बनने के चांसेस ज्यादा है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है। बाइंग में किसी में भी नहीं बोलूंगा कि आपको बाय करना चाहिए, बाय आपको अपनी मर्जी से करना, जो भी स्टॉक आपको पसंद हो, जो भी स्टॉक आपके एनालिसिस पे आपके फैक्टर्स पे अच्छा खराब उतरता हो वहां पर बाय करनी है, बट यहां पर ऊर्जा ग्लोबल ज्यादा बेहतर दिखाई देता है सुजलॉन एनर्जी से अगर नई पोजीशंस लेनी हो तो, ठीक है। मेरी बात करें तो मैं ऊर्जा ग्लोबल में निवेश करना चाहूंगा बशर्ते ये इस तरह से इसी रेट पर रिकवर करता रहे। सुजलॉन एनर्जी में जिन लोगों ने बाइंग कर रखी है वहां पर भी एक अच्छा खासा प्रॉस्पेक्ट है, आप देखिए 200% का रिटर्न कमाया है आपने एक साल में, तो यहाँ पर रिकवरी बहुत तेजी से हो रही है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। बट ऊर्जा ग्लोबल इज बेटर देन सुजलॉन एट दिस पॉइंट, यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है ऊर्जा ग्लोबल। सुजलॉन का मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा है, स्टेबिलिटी अच्छी है, एक्सपेंशन करना और एक्सपेंशन बहुत अच्छा है उसका, ब्रांचेस मतलब बहुत अच्छी है वहाँ पे, तो वहां पर भी एक बेनिफिट मिलेगा आपको उसमें भी। तो ओवरऑल ये आपका कॉल रहेगा कि किसने आपको बाइंग करनी है, ऊर्जा ग्लोबल इज बेटर देन सुजलॉन एट दिस पॉइंट। तो इसी के साथ फिर वीडियो खत्म करते हैं, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट भी करो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड किसी भी स्टॉक का कंपेयर करना हो तो आप प्लीज कमेंट करके हमें सजेस्ट करना। थैंक यू अगेन।